हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का बड़ा फैसला, सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, 12वीं का बोर्ड एग्जाम स्थगित, 1 जून को रिव्यू मीटिंग करेगी सरकार। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना बढ़ते नए मामलों के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फिलहाल 4 मई से होने वाली केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी है। वहीं सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और शिक्षा सचिव के साथ बैठक में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की अगली डेट का 1 जून को समीक्षा बैठक के बाद ऐलान किया जाएगा। छात्रों को 15 दिन पहले इसकी सूचना दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के पूर्व विधायक नीएल तिर्के का निधन, रिम्स हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। झारखंड के सिमडेगा के पूर्व विधायक नीएल तिर्के का बुधवार को दिन में 11 बजे करीब रांची के रिम्स ट्रामा सेंटर में निधन हो गया है। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व विधायक के निधन को सिमडेगा जिले और झारखंड के लिए बड़ी क्षति माना जा रहा है। नीएल तिर्के के निधन की पुष्टि उनके पुत्र जो विशाल तिर्के ने की है। उनके निधन पर झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने शोक जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में मिला कोविड का यूके का स्ट्रेन, झारखंड के 52 सैंपल को भेजा गया था भुवनेश्वर। झारखंड में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, इसके बाद पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के 13 सैंपल में कोरोना का खतरनाक नया वेरिएंट मिला है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अभी तक इसे ट्रेस नहीं कर पाया है कि ये लोग कहां से हैं और कैसे आए हैं। सवाल पूछने पर भी ना मरीजों की जानकारी दी जा रही है और ना ही अन्य कोई सूचना दी जा रही है। कुछ दिन पहले इसकी पुष्टि के लिए झारखंड से 52 सैंपल को भुवनेश्वर के लैब में भेजा गया था, जिसमें से 9 सैंपल में यूके का म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है, जबकि 4 में डबल म्यूटेंट पाया गया है। जो है 9 में से जो है 8 रांची के हैं और 1 पूर्व सिंहभूम के हैं। वही डबल म्यूटेंट में 3 रांची के हैं और 1 पूर्व सिंहभूम के हैं। इसमें से जो है 5 महिला और 8 पुरुष हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड के इन जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बुधवार को राजधानी रांची सहित झारखंड में जो है तेज धूप देखने को मिली है। इसके बाद आज से अगले 3 दिनों तक रांची समेत रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब टोपी नहीं पहनेगी झारखंड पुलिस। मुख्यालय ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला व इकाइयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस के चलते अब झारखंड पुलिस के जवान अधिकारी टोपी नहीं पहनेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि टोपी पहनने से बार बार उसे छूने की जरूरत महसूस होती है, उसे ठीक करने के लिए बार बार हाथ ले जाना पड़ता है और पुलिस जो है फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करती है, भीड़ में रहती है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना रहता है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिसकर्मियों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर से बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहने का भी आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 1,85,000 नए केस, 1,025 मौत से खौफ। कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,85,248 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1,025 लोग की मौत हो गई है। अब तक जो है कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,731 पर पहुंच गई है। कोरोना से पीड़ित लोग के ठीक होने की दर और जो है गिरकर 89.51% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी से मरने वालों की कुल संख्या अब जो है 1,72,114 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ऑनलाइन दिखेगी अस्पतालों में बेडों की स्थिति। रांची वाले ranchi.nic.in पर जान सकेंगे कोविड से संबंधित हर जानकारी। कोरोना के कारण लोगों को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। इसके तहत अब रांची के अस्पतालों को बेडों की स्थिति को लाइव अपडेट किया जाएगा। लोग घर बैठे जान सकेंगे किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, किस अस्पताल में मरीजों की क्या स्थिति है। इससे संबंधित सारी जानकारी रांची जिले की ऑफिशियल वेबसाइट ranchi.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। डीसी छवि रंजन ने बुधवार को इस संबंध में एक डैशबोर्ड लाइव किया है। इस जो है डैशबोर्ड पर सभी हॉस्पिटल अपने यहाँ की स्थिति को अपडेट कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का जो है पूर्णतः पालन कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 20 सड़क पर पुलिस वालों में मारपीट, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने चलाए लात घूंसे। रांची में शाहजहानंद चौक पर बुधवार को पुलिस के ही दो अलग अलग जवान भिड़ गए। दोनों के बीच खूब मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे पर लात घूंसे भी चले। इस दौरान जो है शाहजहानंद चौक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों की भीड़ जुट गई। दो पुलिसकर्मियों की लड़ाई में आम आदमी को बीच बचाव करना पड़ा और दोनों पुलिसकर्मियों को अलग अलग कर जो है झगड़ा बंद कराया। दरअसल जो है बाइक में जो है पीछे बैठने वाले के हेलमेट नहीं पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ। बाइक पर बिना हेलमेट बैठे देख पुलिसकर्मियों को जब रोका तो पीछे बिना हेलमेट वाले पुलिसकर्मी बाइक से उतरा और ट्रैफिक सिपाही से उलझ गए और इस तरह से नहीं रोकना चाहिए कहकर ट्रैफिक सिपाही से धक्का मुक्की शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन को लेकर वित्त मंत्री ने दी ये बड़ी जानकारी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है, यानी पिछले साल की तरह इस साल पूरे देश में लॉक नहीं किया जाएगा बल्कि जो है महामारी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए खास कदम उठाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस को सुरक्षित रखने के लिए विशेष इंतजाम अलग से तैयार किया जा रहा है। 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर, बेहतर खानपान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाने की भी होगी सुविधा। रांची में तेजी से फैलते कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। डॉक्टर, हेल्थ वर्कर से लेकर बड़ी संख्या में पुलिस इसकी चपेट में आ रहे हैं। रांची जो है पुलिस की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इनके जो है इलाज के लिए अलग से आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची के कूट स्थित विस्थापित सेंटर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लगभग 500 बेड को तैयार करने की कोशिश है जिसमें से 200 बेड तैयार कर लिए गए हैं। यहाँ संक्रमित पुलिसकर्मियों व परिजनों को रखा जाएगा, उन्हें बेहतर खान पान के साथ इमरजेंसी में अस्पताल पहुँचाने की भी सुविधा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी पर 4 जिलों में विशेष सतर्कता का निर्देश। राज्य में रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था के लिए रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और देवघर में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इस वर्ष रामनवमी 21 अप्रैल को मनाए जाने की संभावना है। कोरोना के कारण त्योहारों पर सार्वजनिक स्थानों पर समारोह, सभा, जुलूस और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं है, पर विधि व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि होली पर गिरिडीह, रामगढ़, हजारीबाग और चाईबासा आदि जिलों में सांप्रदायिक झड़प की घटना हुई थी। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना मिली है कि इन जिलों में विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार के आदेश के विपरीत रामनवमी और सरहुल पर्व पर जुलूस निकालने का प्रयास हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद रिम्स में जीसी की बैठक। कोविड जांच में तेजी लाने के लिए 3 आरटीपीसीआर और सीटी स्कैन मशीन की खरीदारी को ग्रीन सिग्नल। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रिम्स के जो है शशि परिषद की 91वीं बैठक अनन पनन में बुधवार को हुई। बैठक ऑनलाइन हुई और अध्यक्षता जो है हेल्थ मिनिस्ट्री बन्ना गुप्ता ने की है। इसमें जो है कई जरूरी समस्याओं पर चर्चा की गई है और जरूरी मशीन की खरीदारी की स्वीकृति दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से जो है ट्रामा सेंटर की रेडियोलॉजी इकाई के लिए 256 जो है स्लाइस सीटी स्कैन मशीन शामिल है। इसके अलावा 3 और जो है आरटीपीसीआर मशीन की खरीदारी पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भोलेनाथ से लगाई फरियाद। दुमका बासुकीनाथ में बिहार के नेता और प्रतिपक्ष रजात नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा और पूर्व विधायक संजय यादव के साथ बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पूजा अर्चना कर जो है देश की खुशहाली और जो अमन चैन की प्रार्थना की है। भोलेनाथ से अपने पिता लालू प्रसाद यादव के जो है स्वस्थ जीवन और जेल से जल्द रिहाई की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घातक हुआ कोरोना, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश भर में घातक हो गया है। झारखंड में हालत बेकाबू हो रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौत के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। संभावना है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। इसी बीच सरकार ने बुधवार को आईएएस अधिकारी भुवनेश्वर प्रताप सिंह को कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स में शामिल किया है। भुवनेश्वर अपने कार्यों के अलावा स्वास्थ्य विभाग का काम देखेंगे और जो है पूरे राज्य में होम आइसोलेशन से संबंधित कार्यों के लिए भी जवाबदेह होंगे। साथ ही जो है कोरोना वायरस
वायरस से बचाव के लिए सरकार ने धारा 144 लागू की है और रात 8 बजे के बाद कड़ी पाबंदियां लागू की है, लेकिन सड़कों पर भीड़ भाड़ में कमी नहीं हो रही है और नतीजतन नए इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चार पदाधिकारी निष्कासित। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चार पदाधिकारी संघ विरोधी कार्यों के लिए निष्कासित कर दिए गए हैं। बुधवार को झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चार पदाधिकारियों को संघ की जो है प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इन पर संघ विरोधी कार्य करने का आरोप है, जिन्हें संघ से निष्कासित किया गया है। उनमें से जो है झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रांची के जो है जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार, बोकारो जिला की जो है महिला जिला अध्यक्ष चिंता देवी, जामताड़ा जिला के अध्यक्ष तपन सिंह और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव जो है कामेश्वर पंडित शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन चोरी। जयपुर के सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन के 320 डोज चोरी। देश में वैक्सीन चोरी का यह पहला मामला। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से वैक्सीन चोरी होने का मामला सामने आया है। शहर के शास्त्री नगर में स्थित क्वारंटाइन अस्पताल में कोवैक्सीन टीके की 32 सीसी चोरी हुई है। एक सीसी में 10 डोज रहते हैं, इस लिहाज से कुल 320 डोज चोरी हुए हैं। अस्पताल प्रबंधक ने शास्त्री नगर थाने में जो है वैक्सीन चोरी होने का केस दर्ज कराया है। देश में वैक्सीन चोरी का यह पहला मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में शुरू हुई कोरोना पर सियासत। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा बाहरी लोगों के कारण राज्य में बढ़ा कोरोना संक्रमण। पश्चिम बंगाल के चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, इसके साथ ही राज्य में सियासी पारा के साथ जो है कोरोना संक्रमण के नए मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच अब चुनावी आरोप प्रत्यारोप में कोरोना की एंट्री भी हो चुकी है। आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगा है। दरअसल जो है जलपाईगुड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बाहरी लोग कारण कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ममता बनर्जी ने जो है जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों का जिक्र किया और कहा कि संक्रमण बाहरी लोगों के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने जो बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रचार करने के लिए बाहरी लोग लाए हैं और इस कारण राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।